तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे सोर्ट ऑफ एनलाइन एक्लेशन वॉर ऑफ अंडरवर्ल्ड के एपिसोड 11 और 12 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। लास्ट वीडियो में देखा था जैसे कि असुना वहाँ पे रिवाइन बना लेती है, यानी मतलब खाई टाइप बना लेती है उनके बीच में डार्क टर्म की फोर्सेस और ह्यूमन एम्पायर की फोर्सेस बीच में, ताकि मतलब एक दूसरे पर अटैक ना कर पाए वो। लेकिन जो उसके बाद अपने मतलब वो बिजी हो जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन डार्क टर्म पर बैठा होता है वो जो पीलर थी, वो कहता है कि मतलब उन्हें क्रॉस करना ही पड़ेगा रस्सी की मदद से, ताकि मतलब वहाँ पर पहुँच सके वो। और मतलब ये चाल बड़ी बेवकूफ़ी वाली थी, मतलब उन्हें पता चल जाता है। और जो डार्क मतलब एम्पर वैक्टा था उसका मतलब कोई इन्वेजन का मतलब मूड नहीं है, बल्कि वो वहाँ पर एलिस के लिए आया है। ये सब सोच के जो पिगलेट्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जो रस्सी से जाना वहाँ पर मतलब थोड़ा सेफ नहीं था। और ऐसा होता भी है, मतलब जब वहाँ पर क्रॉस कर रहे होते हैं जो ह्यूमन एम्पायर वाले को पता चल जाता है तो उन पर अटैक कर लेते हैं और मतलब रस्सी को भी काट लेते हैं ताकि क्रॉस ना कर पाए वो। तो मतलब अपने वरिष्ठ को मरता देख के जो अपना उसका लीडर था इश्कान, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। तो इसी के मतलब बावजूद जो भी दूसरा साइड होता है, मतलब रियल वर्ल्ड में जो ओशन टर्टल होता है वहाँ पे जो क्रिएटर होता है, बेसिकली जो क्रिएटर था उनका मतलब एक हैकर टाइप था जो कि एनी फोर्सेस साथ आया था उनकी मदद करने एलिस को लेने के लिए। तो मतलब जो डिसेबल कर लेता है फ्लैट लाइट को और जो डिप्लॉय करता है एक पैच प्रोग्राम जिससे कि वो इन्वाइट कर सके वो अमेरिकन पी प्लेयर्स जो कि मतलब किसी और गेम के थे, और मतलब उन्हें वहाँ ऐसे मतलब बुला के फंसाता है कि मतलब ये कोई बेटा गेम के ऊपर टेस्टिंग होने वाली है, ताकि मतलब उनको कोई शक ना हो इस चीज़ के ऊपर। लेकिन तभी जो यूवी उसे देख लेते कि मैं क्या करने वाला है, और वो बोलते लीफा सिनॉन को, और तो लीफा सिनॉन चले आते हैं रात का जो एक आप कह सकते हैं ब्रांच ऑफिस था रुपोंगो में, जो कि मतलब वहीं पे था जापान में। तो वहाँ चले जाते हैं वो और मतलब सब कुछ बताते हैं मतलब क्या सीन होने वाला है। तो उसके बाद लेकिन जो क्रिएटर होता है मतलब कामयाब हो जाता है, लेकिन तब भी 20 सालों को इकट्ठा करने के लिए और डिप्लॉय कर लेता है रिवाइन के उस तरफ, ताकि मतलब उन पर अटैक कर सके। लेकिन जो अपने असुना के साथी थे मतलब उसके जो फ्रेंड सलीफा और सिनॉन, वो मतलब वहाँ पर बना रहे होते और लोगों को ताकि मतलब वहाँ पर आ सके वो, स्पेशली जीजो प्लेयर्स को बना रहे होते हैं वो ताकि मतलब वहाँ पर आ जाए वो। लेकिन जो उनको मतलब बताते हैं कि अगर मतलब वहाँ पे जाएंगे तो जो टाइम डिफरेंस है मतलब बहुत ज़्यादा बेकार है, तो जितने वहाँ पे प्लेयर्स होंगे जो अमेरिकन के प्लेयर होंगे मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, तो मतलब उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा नंबर्स का, तो मतलब उनके बीच उनके हिसाब से आप नुकसान है इस चीज़ का। और जो उनका अकाउंट है मतलब इसके बाद बंद भी हो सकता है, वो उड़ भी सकता है। और लेकिन जो वहाँ का पेन अब्जॉर्प्शन सिस्टम है मतलब नहीं है वहाँ पर कुछ भी, तो जब कोई वहाँ पर मरता है तो उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है उससे, और जो उनका अकाउंट है मतलब वो भी डिलीट हो सकता है उनके मरने के बावजूद। तो मतलब मैक्सिमम लोग पहले मतलब इकरार कर रहे होते इस चीज़ के लिए, लेकिन उसके बाद मतलब उनको बहुत ज़्यादा मनाते हैं वो कि मतलब कैसे जो वहाँ के लोग हैं मतलब वो भी ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ पे, और उनके साथ मतलब बहुत बड़ा बेकार चीज़ हो रही है क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन प्लेयर उनको मारने लग गए हैं। तो इससे मतलब बेसिक में मैक्सिमम लोग मतलब मान जाते हैं। तो लेकिन वहाँ पे आते हैं कि नहीं इसके बारे में इन एपिसोड में नहीं बताया गया, इसके बारे में तब बात करेंगे जहाँ पे आएंगे वो। तो फिलहाल जो अपने अमेरिकन प्लेयर वहाँ पे आते हैं तो वो जो अपने बंदे होते हैं मतलब जो डॉक्टर के बंदे होते हैं उनको मारने लग जाते हैं वो। वहाँ मतलब कोई वो दिखाते नहीं कि मतलब हम किस किस साइड हैं, बस वहाँ पर एमलेसली वहाँ पर स्लॉटर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एलिस बर्कॉली वगैरह होते हैं वो जो कॉम्बैट करते हैं अमेरिकन प्लेयर्स को, और तभी डार्क वेक्टर होता है और अपना ड्रैगन लेके आता है, और जो एलिस थे उसमें किडनैप करते हैं ड्रैगन की मदद से, और साथ में बेहोश भी कर लेता है, और जो बर्कॉली तो उनका पीछे करने लग जाता है। और जो अपना इश्कान था वो मैं इस सबसे मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि जो अमेरिकन प्लेयर वहाँ पे आए थे वो उसके लोगों को मार रहे थे बावजूद इसके कि मतलब उनके खिलाफ थे वो, सभी उनके साथ थे वो। लेकिन तब जो असना होती है वो एक पहाड़ टाइप बना लेते हैं उनके बीच में, पुलिट्स के बीच में और अमेरिकन प्लेयर्स के बीच में, ताकि मतलब मर नहीं पाए। तो उसे देख के मतलब इश्कान बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मतलब उसे अपने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब क्यों मतलब उसकी बात मान रहा है वैक्टा की, और मतलब क्यों ऐसा कर रहा है मतलब वो। तभी जो उसकी राइट आइंग थी जहाँ मतलब बेसिकली वो था अपना कोडेट 71, तो मतलब बहुत ज़ोर से मतलब उसको दर्द होने लगा है, और तभी अपनी आँख को मतलब निकाल कर फोड़ देता है वो। उसके बाद अपने साथी की मदद से वो रिवाइन क्रॉस कर लेता है। तो जब इश्कान वहाँ पे मतलब उसकी दूसरी तरफ जाता है रेवाइन के, तो वहाँ पे थोड़ी मदद भी करता है उनकी अमेरिकन को मारने के साथ, और तभी डील साइन करता है उसने के साथ, और मतलब शेखता भी इसके लिए मतलब मान जाती है, मतलब उसको मनाते हैं उसने को कि मतलब सही बंदा है, तो मतलब डील साइन करते हैं कि मतलब उनकी मदद करेगा और मतलब बीच में ब्रिज वगैरह बनाएगी। तो मतलब ऐसा करती भी है और उनकी मदद भी करता भी मतलब बाद में वो। तो मतलब कहता है कि मतलब वो अमेरिकन को मार लेगा एज वो डार्क एम्पायर के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन जो अमेरिकन उनकी मतलब लिस्ट में नहीं है ना उनके अलाया ना कुछ है वो, तो उनको संभाल लेगा वो। और मैं तुम सबको उन सबको बोलता है मैं जाने के लिए डार्क एम्पायर वेक्टर के पीछे। तो मैं जब जब उनके पीछे जा रहे होते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं किडनैप कर लिया एलिस को उसने, और जा रहा है वर्ल्ड एंड एल्टर की ओर ताकि मतलब उसे वहाँ से ले जा सकें। लेकिन जो बर्कॉली भी उसका पीछे कर रहा होता है, और जो ह्यूमंस थे वो भी उनके साथ चले चलना शुरू कर लेते हैं।
तो जब क्रीडा देखता है अपने मेन रूम के अंदर कि कैसे मतलब ह्यूमन एम्पायर वाले उनको पीछा करने लगे हैं डार्क रूम फैक्टा का, तो उसे लगता है मतलब इससे वो थोड़ा मुश्किलें पड़ सकता है, इसलिए 20 साल लोग और इकट्ठा करता है अमेरिकन को वो ताकि वो उनकी मदद कर सकें। तभी जब सागो वहाँ पे उठता है और उसे मैं बता रहा हूँ उसके क्या हुआ था वहाँ पे, तो उसे याद है कि जो असुना था उसने मार दिया था उसके, और तभी उसे लगता है जो कृतो में वहाँ पे ही होगा क्योंकि असुना वहाँ पे है, तो उस मैं कृतो से मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी मतलब ऐसे दिनों से ही। तो जो अपना मेन अकाउंट था उसका ऐसे का वो उससे उसे लॉगिन करने के लिए कहता है क्योंकि आज उसका पुराना वाला अकाउंट था डार्कनेट में मर चुका था, तो रिस्क लेता अपने नए अकाउंट से जाने के लिए वहाँ पे। तो इसके बावजूद तो अंडरवर्ल्ड के अंदर जो वहाँ पे मतलब जा रहे थे ह्यूमन एम्पायर वाले बीच रास्ते उसके पीछे करने के लिए, तभी जो क्रिटर होता वहाँ पे 20 लोगों में छोड़ देता उनके अरे परे, और इससे मैं जितने वहाँ के लोग थोड़ा मुश्किलें पड़ जाते हैं और वहाँ पे शायद हारने ही वाले होते हैं। और जो अपना रिनली था अपना सेक्रीफाइस देने के लिए शुरू मतलब तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे आती है सोलस द सन गॉडेस जो कि कोई और नहीं सिनॉन थी, और वहाँ पे जितनी अमेरिकन को मार देती है और लास्ट में मिलती है सुना से, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और जो नेक्स्ट एपिसोड में और ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा, और इसका जो पार्ट वन थंडरबोल्ट का मतलब यहाँ खत्म हो गया है। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड तब से आना रहा।